वैश्विक महामारी के संकट से जूझ रहे लोगों के बीच एक और आफत लेकर बुधवार को प्रचंड वेग से आया चक्रवाती तूफान अम्फान ने बंगाल में जमकर तबाही मचाई। तूफान के भयानक मंजर को देखकर लोगों के दिल दहल उठे। एक ही सुर निकले, आज से पहले तबाही का ऐसा मंजर पहले नहीं देखा था। आफत बनकर बंगाल की खाड़ी से टकराया अम्फान ने बंगाल में जमकर तबाही मचाई, जिससे लाखों की तादाद में लोग प्रभावित हुए। बिजली संचार, यातायात इत्यादि का संपर्क भी टूट गया। राज्य सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार चक्रवाती तूफान अम्फान से पश्चिम बंगाल में 12 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाव बंद में बताया कि चक्रवाती तूफान से करीब 12 लोगों की मौत की सूचना है। चक्रवाती तूफान से उत्तर और दक्षिण 24 परगना को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कई इलाकों से संपर्क टूट गया है। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार कई लाख करोड़ रुपए की क्षति हुई है, जबकि पूरी रिपोर्ट आने में 3-4 दिन लगेंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय में है और पूरी स्थिति पर नजर रखी हुई है। इलाके में बिजली सेवा बाधित हुई है और जगह जगह पेड़ गिर गए हैं, इस कारण यातायात सेवा भी पूरी तरह से प्रभावित हुई है। वहीं हुगली जिले में तूफान से काफी तबाही हुई है, कई हेक्टेयर फसल नष्ट हो चुकी है। बड़ी तादाद में कच्चे मकान, कारखाने की शेड, बिजली के पोल, मोबाइल टावर को नुकसान पहुंचा है। संचार, बिजली, पेयजल, यातायात सेवाओं का खासा प्रभाव पड़ा है। हुगली जिले के कई क्षेत्र में बिजली सेवाएं बाधित होने से पेयजल की किल्लत हो गई है। बहरहाल चक्रवात से हुई नुकसान का सटीक आंकलन अब तक सामने नहीं आया है। तबाही का मंजर ऐसा था कि देखते ही देखते एक झटके के विशालकाय पेड़ ताश की पत्तों की तरह उखड़ गए। इस तबाही की चाप लोगों के चहन में रह गई। पश्चिम बंगाल से जय चौधरी की रिपोर्ट। तो गाड़ी है, हवा ज़्यादा मारेगा। खाली गाड़ी नहीं लागत ना, लोड ना रहे तो
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.